नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नारायण रोहतासगढ़ के किला सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, किला का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है बाहर का। दोस्तों, ये रोहतासगढ़ उरांव आदिवासी का गढ़ था जो कि वर्तमान में बिल्कुल वीरान और सूना पड़ गया है। ये रोहतास किला बहुत ऊंचाई में कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है जो कि बिहार प्रदेश में पड़ता है। तो ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग हजारों में आज आए हुए हैं इस किला में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आज है माघी पूर्णिमा, और आप लोग को अंदर ले चलता हूँ, फिर आप लोग को अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, आज कार्यक्रम भी होगा हम लोग का उरा समाज का। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ये किला का मेन द्वार दोस्तों अंदर जाने का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और गेट के जस्ट बगल में एक हैंडपम्प है पानी पीने के लिए। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर देखने को क्या क्या मिलता है। दोस्तों, गेट के सामने देख पा रहे हैं ना, एक करम का पेड़ है, इसी के नीचे कार्यक्रम होगा, पूजा पाठ होगा, और थोड़ा बहुत नाच गान होगा। दोस्तों, देख पा रहे हैं कितना सारे लोग आ रहे हैं, तो अंदर चलते हैं। आप लोग को मैं छत के ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ छत के ऊपर से कैसे दिखता है किला का नज़ारा। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो मैं फाइनली ऊपर आ चुका हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है रोहतासगढ़ का किला का नज़ारा। देख सकते हैं आप लोग को मैं चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, ये किला के सामने आंगन में चार ठे बड़ा बड़ा करम का पेड़ है। दोस्तों, आप लोग को अभी दिखाऊंगा एक झलक। तो यहाँ का नज़ारा कुछ आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों, ये है किला का आंगन। आंगन में देख सकते हैं कितना लोग भरे हुए हैं। दोस्तों, देख सकते हैं सब जा रहे हैं, अभी कार्यक्रम होगा, सब देखने के लिए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने का जो दिख पा रहा है पेड़ ना, एक करम का पेड़ है, चार ठे बड़ा बड़ा करम का पेड़ है। दोस्तों, ये गेट के जस्ट सामने बड़ा सा करम का पेड़ दिख रहा है ना, इसी के नीचे कार्यक्रम होगा, पूजा पाठ होगा, और थोड़ा बहुत नाच गान होगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग को पूरा चीज़ दिखाऊंगा और इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है। अभी पत्ता शायद झड़ गया है, तो सूखा सूखा दिख रहा है। दोस्तों, ये करम पेड़ है, दोस्तों इसी के नीचे पूजा पाठ होगा। तो दोस्तों, करम के पेड़ के जस्ट नीचे एक ठे शिवलिंग जैसा पत्थर है। दोस्तों, ये शिवलिंग नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों ये सामान्य पत्थर दोस्तों, क्योंकि हम लोग कुसमी विश्रामपुर और बैकुंठपुर से लगभग आए थे सन 2009 में, उस समय ये पत्थर ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो अभी उसको गाड़ दिए हैं, शिवलिंग जैसा लग रहा है, पर शिवलिंग नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं आप कार्यक्रम। आइए चलते हैं धीरजन जीजा के पास, और यहाँ के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेते हैं। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम धीरजन उरांव है। मैं मूली पढ़ा कुसमी का पूर्व देवान
और वर्तमान में एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और हम लोग मूली पढ़ा कुसमी की ओर से, खाड़ो क्षेत्र की ओर से, जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से हम लोग आज यहाँ रोहदासगढ़ में तीर्थ यात्रा के रूप में आज हम लोग पुरखा स्थल को दर्शन करने के लिए आए हैं। और हम लोग वहाँ से सारे लोग आए हैं, सैकड़ों लोग आए हैं, हजारों लोगों ने यहाँ दर्शन करने के लिए साथ में आए हैं। ये रोहदासगढ़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो हमारा जानकारी है कि ये रोहदासगढ़ हमारे उरांव जनजाति लोगों का ये गढ़ था, और किसी कारण से यहाँ एक ऐतिहासिक लड़ाई हुआ, और उस लड़ाई में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने लड़ाई में भाग लिया था, जिसको हमारे पुरुख लोकगीतों में गाया जाता है कि बारो बछरे तेरो बछरे मने वारिनी श्री जनाना आंजस भबारे मने वारिनी बिरी जनाना आंजस। जब हमारे आज हम लोग ये करम पेड़ के नीचे आज रोहदासगढ़ में हम लोग यहाँ हैं, इस विषय पर हम करम मन और करम पेड़ की संबंध में गा रहे हैं। तिली करम मना किया भैरो धरम बबस भैरो श्री जनाना जस भैरो बिरी जनाना जस। तिली करम मन किया भैरो धरम बबस भैरो श्री जनाना आंजस भैरो बिरी जनाना। यदि लेखन भैरो धरम बबस भैरो छपिति जस भैरो छपिति जस। हमारे मानीखीरी में बताया गया है कि जब ये धरती दुनिया पूरा सृष्टि कहीं पर धरती नहीं था, जब सभी तरफ पानी पानी था, और उस समय कहीं पर बैठने उठने का जगह नहीं था, इस धरती में कोई मनवा नहीं था, पूरा पानी था उस समय। हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार स्वर्ग से पार्वती ने महादेव धर्मेश को बताया कि ये जलथल दुनिया दिख रहा है, जो पानी दिख रहा है उसमें कोई फूल है, उसमें आप जाइए बैठ करके आप धरती पृथ्वी को बनाइए और धरती पृथ्वी को जमाइए, ऐसे मैंने पार्वती ने धर्मेश महादेव को कहा। उस समय मेरखाराज जी से मैंने स्वर्ग से धर्मेश भगवान ने आया और यहाँ एक फूल था, उस फूल में बैठ करके महादेव धर्मेश ने, महादेव भगवान ने इस धरती को जमाया, और इस धरती को जमाने के बाद भगवान ने इस धरती में माने मनीषा का कई प्रकार का पेड़ पौधा जीव जंतु और दिन और रात और सूरज और चांद को बनाया। उसके बाद ने भगवान सोचा कि इस धरती में मैं क्या ऐसा मानव, क्या मैं ऐसा जीव बनाता जो हम लोगों को, भगवान को, हमको भोग देता, हमारा नाम करता, हमको पूजा करता, ऐसा उन्होंने सोचा। और उसके बाद ने उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा जीव बनाता हूँ, ऐसा एक मनवा बनाता हूँ। वो सोचा और अपने मनवा आदमी को बनाना शुरू किया, मानवीय को बनाना बनाते बनाते एक जो है वो बनाया ग्रहा, जिसको हम लोग पुरुख भाषा में बोलते हैं, मैंने मूर्ति बनाया, और उस मूर्ति में भगवान ने उसमें जीव डाला, और जीव डालने के बाद पूरा ये जो है मूर्ति जग उठा, मनवा जग उठा।
उसी समय से उसी के द्वारा आज हमारे मानव जाति में एक सृजन विरजन होता है और उसी के हम लोग सारे दुनिया में पूरे धरती में हम मानव जाति आज पैदा हुए हैं। और उस मिट्टी का जो मूर्ति बनाया था वो इस करम पेड़ के नीचे ही बना करके इसीलिए हम लोगों ने करम पेड़ का पूजा करते हैं और इसकी कई माने होता है। उसके बाद एक हमारी एक ऐतिहासिक है, आज हम लोग ये रोहतासगढ़ को देख रहे हैं, यहाँ हमारे पुरखों ने हमारे जनजाति ने आदिवासी पुरखों ने यहाँ राज करता था, यहाँ उनका यहाँ शासन चलता था। उस समय यहाँ दुश्मनों ने आक्रमण किया और उस समय हमारे जो पुरुष थे वो शिकार खेलने गए थे गांव में महिला अकेला पड़ा हुआ था, उसका साथ देने के लिए कोई पुरुष नहीं था। तो महिला लोगों ने तीन तीन बार तक दुश्मनों को हराया। महिला एक अहिरिन बेटी था जिन्होंने दूध बेचने गई थी, उन्होंने देखा कि ये जो है कि महिला की डर से पुरुष भाग रहे हैं, तो क्या है कि महिला सारे लोग धोती कर लिए और पगड़ी बांध लिए, फेटा बांध लिए अपने मुड़ी में, तो पुरुषों का भेष बना करके उन्होंने लड़ा था दुश्मनों से। लेकिन वहाँ एक दूध बेचने वाली कोई महिला थी, उन्होंने देखा तो दुश्मनों को कहा कि आप लोगों तो महिला को देख कर भाग जाते हैं, महिला को से डर जाते हैं ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई महिला नहीं है, ये पुरुष हैं। तो उन्होंने बोली कि अगर आप देखिएगा सोन की नदी को जब पार होते रहेंगे तो अगर मर्द होगा तो एक ही मने हाथ से अपना मुंह को धोवेगा और महिला होगा तो दोनों हाथ से अपना मुंह को धोवेगा, अपना चेहरा धोवेगा, उसी से आप अंदाज कर लेना। तो वो लोग छिप करके देख रहे थे, दुश्मन लोग देखे तो सही में महिला लोग दोनों हाथों से जो है अपना चेहरा धो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ज़ोर शोर के साथ एक बार फिर से लड़ाई किया, चौथा बार में तो उन्होंने हराया। उसके बाद से हमारा ये समाज जो है, हमारा पुरखा जो है छितिर बितिर हो गया। उसी को हमारे समाज के लोग गीतों में गाते हैं, जागूरे हमारो आदिवासी भैया, हमारो राजी भैया लूटायोगे, हिला भैया आदिवासी घेरायोगे, ला जागूरे हमारो आदिवासी भैया, हमारो राजी भैया लूटायोगे, हेला भैया रे रोहिदास घेरायोगे, ला एको लड़ई लड़े दुयो लड़े तीन लड़ई जीतला जा आला रे तीन लड़े जीतला जाला, ये को लड़े लड़े दियो लड़े लड़े तीन लड़े जीतला जा आला रे तीन लड़े जीतला जाला। तो हमारे महिलाओं ने तीन तीन बार तक दुश्मनों को हराया और तीन तीन बार तक उन्होंने एक हराने की खुशी में एक पहचान के रूप में गोदना गोदती थी। पहले हमारे महिला ने तीन बार एक तीन लकीर जो लगाती हैं, इसी स्थान का देन है हमारे समाज में कि तीन ठो लकीर गोदना गोदाते हैं, वो हमारे उसी लड़ाई का वो है। पर उन्होंने अहिरिनी बेटी बड़े दगा दे रे रोहिदास लुटायोगे, हे लाय रे रोहिदास घेरायोगे, लाय। तो अहरीन बेटी ने देखा और उन्होंने बताया कि ये मर्द नहीं है, ये महिला है, आप लोग मत डरिए। तब उन्होंने चौथे बार में जोर शोर के साथ दुश्मनों ने यह हमला किया, उसके बाद उसका विजय हुआ। उसी दिन से जो है ये रोहतासगढ़ जो है सुना पड़ गया है। तो हम लोग आज उसी को याद करने के लिए, हमारे पुरखों का स्थान है ये रोहतासगढ़, उसको आज हम लोग दर्शन करने आए हैं और आज सारे जगह से आए हुए हैं।
तो यही इतने ही मेरा कहना था। आप सभी लोग दर्शन करें और ऐसा हमारे समाज में कभी आपत्ति ना आए, विपत्ति ना आए, इसके लिए सभी लोग सजग रहें, संगठित रहें, संघर्ष करें, एक दूसरे का सम्मान भी करें, पर कोई किसी से अन्याय करता है उसके प्रति आप डरे मत। इसी के साथ में सभी लोगों को जय जोहार, जय धर्म। अच्छा धर्म नलक धर्म दिन जगह पर आगे समाज दिन आगे बढ़ा आगे नलक नाला नलक दस बहुत अच्छा इस यूट्यूब में बड़ी बात बहुत अच्छा बड़ी तो इन्ने इन्ने आला ही नमागे जरूरत रही बात और इन्ने नमागे संगठित रहना रही नाम अकुन माल बेड़ा रो नाम अकुन माल भटका रो नाम अकुन मैंने जम्मा हालत चाहे वो छत्तीसगढ़ हो उड़ीसा हो बिहार हो बंगाल हो सारे देश में हम एक आदिवासी एकता बना के रखें और अपने समाज को अपने धर्म को हम आगे बढ़ा के रखने का काम करें। उसी तर्ज पे हमारे चित्रंजन भाई भी हैं तो चलो ठीक है। धीरंजन भाई हाँ धीरजन उराव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे काफ़ी दिन से इसका नाम ही सुन रहे थे और मेरा भी ये भी सुना था और मिलने के लिए भी मुझसे तड़प रहे थे और हम भी चाह रहे थे कि हमारे समाज के लिए ऐसा संजीवनी के काम करें ताकि बृहद समाज का एक निर्माण हो और ऐसे समाज का जो हम लोग का ये करम पेड़ का जो छाया है सबके लिए बराबर है सबके लिए अच्छा है उसी तरह से हम लोग को एक सुंदर प्राकृतिक समाज का निर्माण करेंगे। हमारे पास मुड़मा का जो आए हुए हैं जगराम चाचा जी हैं और क्या हमारे बड़े भाई हैं मंगराव राव जी है ठीक ना और दुर्गा राव है ये भी हमारे मुड़मा से है और कौन कौन है उधर हम लोग करीब करीब 65 लोग यहाँ से आए हुए हैं और फिर आज भी आ रहे हैं कल भी आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के पूरा टीम को सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देखते रहिए और जहाँ मेरे से कहीं भूल होता जरूर मेरे को टोकाई करना ठीक है ना। जब टोकाई नहीं कीजिएगा मुँह नहीं खोलिएगा। आदिवासी समाज आज इसीलिए कमजोर हुआ कि मुँह नहीं खोलते हम लोग गलत हो रहा है होने दे रहा है मतलब उसको रोकने का तरीका भी होता है। विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए टोकना भी हो तो ध्यान देना है कि कोई चीज़ में विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं हो रहा है लेकिन मुंह नहीं खोलते। जब मुंह खोलना शुरू करेंगे आदिवासी समाज के लोग सही चीज़ में तो ऑटोमेटिक हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज हम नहीं चाहते कि चित्रंजन एक नहीं हजारों चित्रंजन हो ताकि अगर एक चित्रंजन को रोकने का कोशिश करे तो हजारों हो जाए। अभी हमको रोकने की कोशिश करते हैं तो हम चारों साइड से और काम करते हैं। जब हम एक वीडियो डालते हैं कोई गुस्सा होता है तो चार डालते हैं जब चार रोकने को होते हैं तो 10 डालते हैं। इसी तरह से हम लोग को अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबको आगे आओ जो नॉलेज है जो ज्ञान है उस ज्ञान को बांटिए उसको चीज को बताने का प्रयास कीजिए ठीक है ना। चलिए ठीक है। जय आदिवासी जय आदिवासी जय आदिवासी जय सरना जय सरना। और गलती सलती ठीक है ना। और मेरा नंबर है ना नंबर बात करना है ना उससे हमेशा संपर्क में रखिएगा और हम 2-3 दिन में एक बृहद संख्या में आने के लिए हम निमंत्रण कर रहे हैं। आप लोग आइए और हम लोग ऐसा समाज का निर्माण करेंगे दुनिया अभी तक कोई नहीं किया है ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं ठीक है ना। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक सुंदर और बहुत बेहतरीन ध्यान करेंगे यहाँ से इस जो यहाँ किला में है ना जितना भी इसमें पूरा ठीक है ना। ये 1.5 साल के अंदर 1 साल तक